Hi everyone, this is Prabha. Today I am here to speak my heart out. And I promise I won't go deeper in any of the recent unfortunate news. Obviously, it is a sensitive topic and I am no one to say who is right and who is wrong. I just want to make you think that chahe Hindu mare ya Musalman, chahe mandir toote ya masjid, नुकसान हिंदुस्तान का ही होता है. एज एन इंडियन इट इज अस हु आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया टू द वर्ल्ड. अब आप चाहे ताजमहल को तोड़ो या सोमनाथ को तोड़ो, नुकसान किसका है सोचिए. हाँ, इफ यू हैव सो मच ऑफ एनर्जी दैट यू जस्ट वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय थिंग्स और वॉन्ट्स टू किल पीपल फॉर योर स्मॉल टाइम सेटिस्फेक्शन, then I urge you, request you that invest your energy into your studies, into your knowledge and become Vikram Sarabhai or APJ Abdul Kalam. Become knowledgeable like Satyendranath Bose or become like first Indian Muslim president Zakir Hussain and change the system legally. System mein ghus kar usko change kariye. Do not become a puppet of any news channel or any political party. That motivates you to become a stone pelter or a murderer. That won't going to give any benefit to you and your family and even to the nation. You're just destroying yourself and your nation. It will just lead to further violence. No religion teachings teaches anybody to disrespect any religion or to spread hatred. It is just your vision to see the world. If it is narrow, then you are harmful to your community, to your religion, and even to the country. And if it is broad, then you can develop the country as well as your religion. And another point, choose your mentor wisely. Who could push you forward to progress in life? वो नहीं जो आपको धर्म खतरे में है कहकर प्रोवोक करे, और वो भी नहीं जो कंट्री मेकर नेहरू गांधी और अंबेडकर को गाली दे, क्योंकि उसमें खुद इतनी नॉलेज नहीं है, खुद उसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं है जो आपको सही रास्ता दिखा सके. इनफैक्ट आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, बिकॉज जो इतना सेल्फिश है जो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कंट्री मेकर्स को गाली दे सकता है, तो आप उसको और उसके IQ लेवल को समझ सकते हो. अनदर पॉइंट इन द वे ऑफ स्प्रेडिंग पीस इज ट्राई टू फाइंड पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव पर्सन. जस्ट थिंक, अगर आपके मेंटोर CV रमन होते तो जो हेट आज आप सीख रहे हो वही सीख रहे होते उनसे, या इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट की बात कर रहे होते. आपको चंद्रयान 3 की नॉलेज होती या फिर बस गालियाँ देकर दूसरों को नीचा दिखाने की. एंड आई एम स्ट्रिक्टली नॉट सेइंग कि आप अपने रिलीजन को उठाकर साइड में रख दो. जितने भी महान लोग हुए हैं सब अपने अपने रिलीजन के डिवोटी थे. महात्मा गांधी भगवत गीता में डूबे रहते थे और राम भजन गाते थे. वहीं APJ अब्दुल कलाम कुरान शरीफ की लाइन से इंस्पायर होकर काम करते थे. हो सकता है अब आप कहो कि आज के टाइम में ऐसे लोग कहाँ से लेके आए अपना मेंटोर बनाने के लिए, तो मैं कहूँगा ठीक है, आप अपना मेंटोर भी मत चुनो. सिंपली आप जिस भी धर्म के हो अपने रिलीजन के बारे में पढ़िए और नॉलेज लीजिए. जिस धर्म को बचाने के लिए आप आगे आ रहे हैं आपको कम से कम उसकी पूरी नॉलेज तो होनी चाहिए. जाओ जाकर पहले भगवत गीता पढ़ो, तब पता चलेगा हिंदुइज्म अमर है या खतरे में है, धर्म आपको बचाता है या वो खुद को बचाने के लिए आपसे कहता है. अगर भगवत गीता आपको वॉयलेंस का ही रास्ता बताती तो महात्मा गांधी क्यों अहिंसा के रास्ते पर चलते, और अहिंसा के रास्ते पे चल के सक्सेसफुल भी हुए थे वो, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने भगवत गीता को ही अपने जीवन का सार माना था, अपने साथ लेकर चलते थे वे. इन शॉर्ट, जस्ट ट्राई टू नो अबाउट योर रिलीजन, दैट इज इनफ टू मेक यू अ जेंटलमैन. और अपने धर्म के बारे में व्हाट्सएप या यूट्यूब से मत जानिए, आप खुद उन किताबों को पढ़िए जो आपके पूर्वज आपके लिए छोड़ कर गए हैं. एंड आपके वॉयलेंट एक्शन से न आपका, न आपके फैमिली का एंड इवन न कंट्री का कोई फ़ायदा होना है. इवन योर फैमिली विल सफ़र जस्ट बिकॉज ऑफ यू. एंड इवन अगर कोई बड़ा मुद्दा होता है तो पूरी कंट्री सफ़र करती है. एंड फ़ायदा सिर्फ 2 लोगों का होता है, न्यूज़ चैनल
एंड पॉलिटिशियंस का। एक की टीआरपी बढ़ती है, एक के वोट्स बढ़ते हैं और दोनों ही अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आज आप जिनके लिए खड़े हैं, कल वो ही आपको जेल में डाल सकते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। एंड बाकी इट्स अप टू यू, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, किसी का भी धर्म खतरे में नहीं है। बिकॉज अगर आप इतना कॉन्शियस हैं तो डेफिनेटली आप अपने बच्चों को अच्छे से धर्म के बारे में बताएंगे, अच्छे से धर्म के बारे में सिखाएंगे, फिर वो बच्चे अपने बच्चों को उस बारे में बताएंगे, उस बारे में सिखाएंगे, और ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी। तो धर्म, अगर आप अपने धर्म के बारे में जानते हैं तो आपका धर्म कभी खतरे में आ ही नहीं सकता। जस्ट हैव द करेक्ट नॉलेज ऑफ योर रिलीजन एंड स्प्रेड इट एंड ऑल्सो स्प्रेड पीस सो इंडिया कैन बिकम अ कंट्री दैट अ वर्ल्ड विल अडोर। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। It's your time to grow because the train is leaving the station, my friend. Are you on it or have you been left behind?